अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम विद अस्मा राव किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन ब्लैक पेपर ग्रेवी। मटन मैंने 500 ग्राम्स यहाँ पे ले लिया है और इसको मैं बॉईल करके रखूँगी और फिर आपको बताऊँगी इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 500 ग्राम मटन को मैंने बॉईल कर लिया था। इसमें मैंने एक टीस्पून वाइट ज़ीरा डाल दिया था और एक फूल डाल दिया था गरम मसाले का, और इसमें तीन मैंने सब्ज़ी इलायची डाल दी थी और इसको बॉईल करके यहाँ रख लिया है। ये 500 ग्राम है और यहाँ मैंने दो मीडियम साइज़ अनियन ली थी, वो मैंने फ्राई कर ली है। 6 से 7 मैंने ग्रीन चिली ले ली है, उसको मैंने दो पीसीस में कर लिया है। और यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने लिए हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, और हाफ कप मैंने लिया है क्रीम ली है, कोई भी पैकेट की क्रीम आप ले सकते हैं। और ये मैंने 1 कप जो लिए योगर्ट लिए, और यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून जो लिए वो बादाम पाउडर लिया, आमंड पाउडर है। ये मैंने 8 से 10 बादाम लेके रोस्ट कर लिए थे और इसे घर में मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बना लिया है। अच्छा, ये मसाले जो जाएंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मैंने क्रश्ड कोरिएंडर लिया है, यहाँ 1 टीस्पून ब्लैक क्यूमिन सीड्स लिए हैं यानी काला ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून काली मिर्ची ली है, और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, और 1 टीस्पून मैंने ये टर्मेरिक हल्दी ली है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। ग्राइंडर में मैं योगर्ट को डाल देती हूँ, दही मैंने इसमें डाल दी है, और यहाँ मैं ये अनियन, फ्राइड अनियन और ग्रीन चिली इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूंगी और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ, मैंने जग में ब्लेंडर में 1 कप योगर्ट डाल दी है और 1/2 कप मैंने इसमें क्रीम शामिल की है, 2 मैंने फ्राई की हुई अनियन डाली है, और 6 से 8 मैंने इसमें ग्रीन चिली डाली है, और यहाँ मैं आमंड पाउडर डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी इसके अंदर। इन सबको मैं एक साथ डालकर ग्राइंड कर लूँगी इसको। हाफ कप मैंने ऑयल लिया था और इसमें डाल दिया था पॉट में, और इसी में मैंने अनियन फ्राई की थी। अब मैं इसमें जो बॉइल्ड मीट है हमारे पास मटन, वो ऐड कर दूंगी। साथ ही इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूंगी, इसको फ्राई करेंगे। तमाम मसाले जो मैंने ऐसे बता दिए थे ऐड कर देंगे इसमें। थोड़ी देर इसे फ्राई करेंगे, अच्छी तरह से हम इसे फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूंगी इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा। दाल मसाले हमारे जब भी जाते हैं तो उसमें बहुत सारे छींटे अगर हम पानी पे ऐड कर देते हैं तो उसमें मसाले जलते नहीं हैं और इजीली फ्राई हो जाते हैं, मिक्स हो जाएंगे ये मीट के अंदर। मसाले गोश्त में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके और जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर दिया। थोड़ी देर से मिलाना है, अच्छे तरह से भुनाई करनी है इसकी। 2 मिनट तक आपको इसमें चम्मच चलाते रहना है। थोड़ी देर लो फ्लेम पे इसे हम कवर करके 7 मिनट हम इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे, फिर चेक करेंगे। ऑयल अलग हो गया है इससे और ये तैयार हो चुकी है। इस टाइम पे इसमें फ्रेश कोरिएंडर शामिल कर दूंगी और थोड़ी सी मैं इसमें कुटी हुई ब्लैक पेपर शामिल करूँगी कि ब्लैक पेपर, मटन ब्लैक पेपर ग्रेवी है ये। इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी हमारे पास बन गई है। अब इसे सर्विंग बॉल में हम इसे निकाल,
मटन ब्लैक पेपर ग्रेवी हमारी तैयार है और तंदूरी नान के साथ इसे आप पेश करें, खाएं, बहुत मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनी है। तो आप इसे ये आप इसकी ग्रेवी चेक करें, देखें, और बहुत ही मज़ेदार किस्म की है। इसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हाई कैलोरीज हैं। हमने इसमें क्रीम भी ऐड किया था, योगर्ट भी थी और उसमें हमने आमंड पाउडर भी डाल दिया था। तो हमारा खाना हमेशा ऐसा ही होना चाहिए जिस जो हमारे लिए सिर्फ ना कि जायके के लिए अच्छा हो बल्कि हमारे लिए फ़ायदा मंद भी हो। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और गरम गरम नान के साथ आप पेश करें, ख़ुद भी खाएं, इंजॉय करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ और बहुत अच्छी रेसिपी के साथ फिर आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।